गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच में आपको डिपार्टमेंटल कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको देखने को मिल रही है इस चैनल में। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में जैसा कि इस वक्त जो है फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है हमारी जो उचित दर की दुकानें हैं उनके माध्यम से, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो है भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं लोगों में कि ये चावल प्लास्टिक का चावल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप उसको पानी में डालते हैं तो जो ये चावल है फोर्टिफाइड चावल थोड़ा सा हल्का होने के कारण अन्य चावल से जो है पानी में तैरने लग जाता है ऊपर, और लोग इसे प्लास्टिक का समझ रहे हैं, जबकि ये पौष्टिकता से भरपूर और ये फोर्टिफाइड चावल है जो कि हमारी राशन की दुकानों से वितरित हो रहा है। जो हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं उनमें कुपोषण की कमी हो जाती है, एनीमिया की कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा पौष्टिकता से भरपूर ये चावल हमारी उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से मैंने आपको समझाया था अपनी लास्ट वीडियो में, और जबकि इसके फोर्टिफिकेशन के बारे में भी मैंने समझाया था आपको कि कैसे ये चावल तैयार किया जाता है। तो गाइस, इस संबंध में पुनः आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो पहले जो सामान्य चावल जो होता है उसका जो है पाउडर बना लिया जाता है, और उसमें जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो मानक हैं उसके अनुसार कुपोषण की कमी जो हो जाती है उसको दूर करने के लिए, एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए जो मानक के अनुसार उसमें फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। तो गाइस, इसे FRK कहा जाता है, और 100 ग्राम चावल में जो है 1 ग्राम FRK का जो रेशियो जो रहता है। इसीलिए गाइस, आप जब राशन की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं तो कुछ चावल के दाने आपको अन्य चावल के दानों से भिन्न दिखाई देते हैं। तो गाइस, बीच में मैं अपने गांव गया था तो वहां राशन की दुकान से जो है चावल वितरित किया जा रहा था उस समय गाँव के लोगों को। तो गाँव के लोगों का भी ये कहना था कि प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं हमें, और हम बनाते समय इन्हें इन चावल के दानों को अलग कर देते हैं, जबकि फिर मैंने वहाँ क्लियर किया कि ये चावल जो है प्लास्टिक के चावल नहीं बल्कि पौष्टिक चावल है, तब लोगों को यकीन हुआ कि ये चावल फोर्टिफाइड चावल है। ऐसी कमी को दूर करने के लिए, कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए ये चावल तैयार किया गया है, और इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं भी भ्रमित होने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और ये लास्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक टीम भी आई थी इसी संबंध में, जब ज़्यादा लोगों में ये खबर फैल गई थी कि ये चावल प्लास्टिक का है, और इसलिए फिर सरकार का एक दायित्व बनता है, सरकार द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, और केंद्र सरकार की टीम यहाँ पर विजिट के लिए आई थी उत्तराखंड में, जिसमें कि जो हमारी FCI के जो डिपो हैं और हमारे गोडाउन से जो हैं हमारी फेयर प्राइस शॉप से हैं और जो इंटरनल गोडाउन से हैं उन्हीं सभी से जो एक सैंपल लिया गया और वो लैब में भेजा गया सैंपल, और जो है सैंपल जो है बिल्कुल मानक के अनुरूप जो है उसमें चावल पाया गया। और इसलिए मैं फिर पुनः आपको डिपार्टमेंटल एक यहाँ पर एक सप्लाई इंस्पेक्टर होने के नाते नैनीताल का ये आपको मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने चैनल अपना बनाया है कि समय समय पर जो भी विभागीय जानकारियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, चैनल के माध्यम से आप तक एक जानकारियाँ पहुँचती हैं हमारे राशन कार्ड धारकों तक और जनप्रतिनिधियों तक। तो इसमें आप बिल्कुल भी आप हमें कि आपको आवश्यकता नहीं है। तो यदि अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप हमारे जो सारे इंस्पेक्टर ऑफिस है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, DS ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में। और फिर नई वीडियो आपके साथ में देखते अभी आऊँगा फिर, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा जो है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है विभाग के लिए एक उपलब्ध होगी। थैंक यू।